एक तो पार्टीशन के बाद आप आर्टिकल 370, 35 ये लाके कॉन्स्टिट्यूशन में सरप्टिशियसली ये प्रोविजन डालते हैं कि तथाकथित सेक्युलर भारत में एक इस्लामिक स्टेट जो बाकायदा इस्लामिक स्टेट के रूप में ही काम करता था वो सेटअप हो जाए। ये किया नेहरू की सरकार ने, चोरी छुपे किया, तो इसका मतलब पाकिस्तानी एजेंडा। फिर देखिए कश्मीर में तान्या महाराजा हरी सिंह जो बहुत ही शूरवीर एक राजा थे और वंश उस वंश से थे जिन्होंने डोगरा साम्राज्य को कहाँ गिलगित बलूचिस्तान और उधर अफगानिस्तान तक पहुंचाया। इट वॉज अ वेरी लार्ज एम्पायर दैट दिस डोगरा डायनेस्टी हैड बिल्ट। उस डोगरा रूलर को नेहरू ने इतना अपमानित किया, उसको अब्दुल्ला के कहने पर देश निकाला दिया। ही वॉज एक्सटर्न्ड आउट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बहुत सी लेके उसके बेटे को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया, डॉक्टर करण सिंह को, हु वाज अ यंग टीनेजर एट दैट टाइम, और अपनी ही रियासत से उसको निकाल दिया ताकि अब्दुल्ला को इस्लामिक स्टेट बनाने का भारत में। और ये हमारी सेक्युलरिज्म का बहुत बड़ा उपहार था नेहरू के लिए कि हम उसने इस्लामिक स्टेट बनवा दी एक सेक्युलर इंडिया के की धरती पर।